क्या खाएगा? फुल्की, फुल्की। उसको फुल्की बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको गोलगप्पा बोला जाता है, इसे पानी पूरी बोला जाता है। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि जो उस दिन जो हवा चली थी ना, उस दिन हवा चलने की वजह से ये जो हमारा फूल है ना, ये देखिए छत पे लगाया गया था हमारा फूल ना, ये टेढ़ा हो गया, एक साइड का पूरा ही टेढ़ा हो गया। तो फिलहाल इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा। तो इधर देखिए गाइज, तो ये देखिए एक साइड का टेढ़ा हो गया, पहले ऐसे था तो अच्छा लग रहा था, अब ये ऐसे हो गया तो बहुत ही ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये देखिए फूल टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। सीधा रहता तो अच्छा लगता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे कुछ ना कुछ लगाएंगे ज़रूर, जो ये सीधा हो जाए, क्योंकि ये गीली मिट्टी हो गई ना, तो ये क्या हो रहा है, एक साइड के ऐसे देखो भाग जा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, जो ये टेढ़ा हो गया। तो ये भी देखिए, ये भी सीधा था तो ये भी टेढ़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इसके जो जड़ होती है ना, इसके नीचे हम क्या करेंगे, तो जो साइड साइड की मिट्टी है ना, उस वहाँ पर रखेंगे। देखते हैं, अगर सीधा हो गया तो सीधा हो गया, सीधा तो होना चाहिए इसे, तो इसको हम सीधा कर देते हैं, क्योंकि अभी देखिए इसमें बहुत ही सारी नमी है। ये टमाटर है ना, ये देखिए एक और टमाटर आ गया, लेकिन इसमें अभी बहुत ही छोटा है, पता नहीं क्यों नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी देखिए, इसमें भी टमाटर है, लेकिन ये भी छोटा ही छोटा पड़ा है, पता नहीं क्यों। अब क्या करेंगे गाइस, इसको पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। फूल को मैंने सीधा कर दिया हूँ, अब ये सीधा ही रहेगा, एक साइड नहीं भाग रहा है। ये देखिए एक सीधा, इसके जो नीचे की मिट्टी थी ना, वो क्या हो गई थी ना, इधर उधर घिसक गई थी, तो इकट्ठा करना पड़ा। इधर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट करना पड़ा, तब ये टाइट हो गया, अब इधर नहीं आएगा। और फिलहाल ये भी था, अब ये भी सीधा हो गया, सब फूल परफेक्ट हो गए, अब अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और एक फूल मुझसे टूट गया था, ये देखिए एक इसकी टहनियाँ जो है टूट गई थी, गलती से टूट गया। इसमें देखिए चार फूल ख़राब हो गए, अच्छा नहीं है। इसके ऊपर रखा था फ़ोन वीडियो बनाने के लिए, इसको नीचे रख देता हूँ। ये मिर्च है, ये टमाटर है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन लोगों का, इसमें से कोई निकल ही नहीं रहा है। ये देखिए रेड चिल्ली को सुखाया जा रहा है, अब इसमें क्या बोलते हैं ना, जो घर का मसाला होता है ना, उसमें भरा जाएगा, उसके बाद इसको सड़ाया जाता है तेल डाल के, वो भी सरसों का, तब इसको वही सड़ाया गलाया जाता है, जो भी है इसमें गलाया जाता है इसको। ये जो होता है ना, ये जो इसके अंदर को जो मिर्च होती है ना, उसको बाहर निकाल के इसमें वो जो मसाला घर का बनाया जाता है ना, तो उसको खटाई बोलते हैं। इस चीज़ में भरा जाता है, जब भरा जाएगा ना तो आप लोग को दिखाएंगे, अभी तो इसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो सूखेगा ही, तो उसके बाद इसमें भरा जाएगा। तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसके साथ आप खा सकते हो, खिचड़ी के साथ खा सकते हो, और दाल चावल जो होता है उसमें मिला के खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ खाओगे ना, टेस्ट एक नंबर का आता है। तो फिलहाल अभी इसे सुखाया जा रहा है, ये कहाँ से आता है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसको रेड चिल्ली बोला जाता ना, ये देखिए पूरी रेड रेड, ये बहुत ही महंगी मिलती है, 100 रुपया पता नहीं कितने रुपये किलो लाए होंगे सब, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रेड चिल्ली है, और जो हमारा फूल था उसको सीधा कर दिया हूँ। अब क्या करना है मुझे, खाना खाना है, उसके बाद जब दोपहर हो जाएगा ना, तो दमकल लेकर जो पंपू सेट है उसको लेकर जाना पड़ेगा, खेत उधर है, तो आज दिन भर हमको लग रहा है खेत पे ही बीतेगा, क्योंकि गेहूँ भरने का सीज़न आ गया, तो गेहूँ हम लोग भरेंगे जाके। तो अब जाते हैं नीचे, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं दमकल लेकर। पंपू सेट यहाँ पर रखा गया है, अब इसको सब खाना खा लेंगे, पापा भी आ जाएंगे, फिर इसको इस पर पाइप रखा जाएगा, और इसके जो नट बोल्ट रिंच है वो सब इसमें रखा जाएगा, फिर उसके बाद लेकर हम लोग जाएँगे। गाइस आज खेत भरना कैंसिल हो गया, पापा जा रहे हैं कहीं पर, अब ये सब कल भरा जाएगा। घर है, और घर के इधर देखिए कंक्रीट गिरा है, छोटी गिट्टी है, और ये बालू है लाल वाला। आप लोग अगर आप लोग जाओगे ना, अगर कहीं
शहर में जाओगे तो वहाँ पर वाइट वाला बालू लगता है, लेकिन देहात में तो रेड वाला बालू लगता है। इसी से घर बनाया जाता है, इसी बालू से घर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कच्चा ईटा है, और इधर हम लोग का खेत रहता था, क्योंकि यहाँ पर लहसुन प्याज जो भी यहाँ पर बोना होता था तो हम लोग बो देते थे। लेकिन फ़िलहाल इसी रास्ते से गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैक्टर जो ये सब गिराती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर छोड़ दिया गया था। और ये देखिए हमारा अमरूद है, पीछे लगाया गया था। और ये केला, देखिए केला भी हो गया है, तो ये अभी छोटा छोटा है। और फिलहाल यहाँ पर देखिए हमारी माता काली माता, पीछे उसकी पोखरी है, ये देखिए खेत है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। क्या खाएगा? फुल्की, उसको फुल्की बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको गोलगप्पा बोला जाता है, इसे पानी पूरी बोला जाता है। फुल्की क्या होती है? तो गाइस आए हम लोग गोलगप्पा खाने के लिए, अब गोलगप्पा खाएंगे। तो भाई साहब अबे गाइस अब जाते हैं फुल्की खाने के लिए। तो यहाँ पर आ गए हैं, देखिए फुल्की रवि बैठ गया पहले ही खाने के लिए। पिटा है ये भी, पिटा है, देखो लुक रहा है, क्यों जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मस्त मस्त फुल्की बनती है। ठीक है, मैं भी अपने रूम में बैठा था, पढ़ाई कर रहा था, और यहाँ पर मैं लैपटॉप मेरा बिगड़ गया, मैं फ़ोन से ही टाइपिंग करता हूँ, तो फ़ोन में टाइपिंग सीखता हूँ, फास्ट टाइपिंग इंग्लिश का, हिंदी का। तो मैं भी अपना काम कर चुका हूँ, अब पापा भी आ गए हैं दुकान से, मम्मी पापा को खाना दे देते हैं, फिर उसके बाद मैं भी खा लेता हूँ, फिर गाइस आते हैं तो वीडियो को एडिटिंग करते हैं, सुबह तक अपलोड करना होता है, इसको एडिटिंग करके चढ़ा देंगे गाइस। ये देखिए कार्तिक टेबल पर आया, 20, हाँ 4, 5, 20। तो कार्तिक यहाँ पर पढ़ा है, और यहाँ पर भी राज, ऋषभ, कार्तिक ये सब पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ गए, पढ़ाई हो गई? वो क्या लिख रहा है? मैं जब खाना खाता मुझे तब से उठ के आनी, पानी पी जाता तब ठीक हो जाए, फिर खाना खाता फिर से आने लगती है, उसकी आने लगती है। तो जब भी खाना खाता हूँ तब भी, स्कूल में लंच किया था तब से छुट्टी तक उठ के आए, फिर सही है। खाना खाता, जल्दी जल्दी खाना खाता है ना? नहीं, धीरे धीरे खाता है तो भी आती है, जब उसकी आती तुरंत पानी पिया कर तब सही हो जाती है। 6 का टेबल लिख रहा है। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। Thank you.